अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो अपने 12 साल के फ्रीलांसिंग करियर के बेस पे इस एक वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे ना कि आप सिर्फ पहला क्लाइंट ले पाएंगे बट अपनी फील्ड के गारंटीड टॉप फ्रीलांसर बन पाएंगे। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस करने का मतलब है पाप के समान काम करना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनना चाहते हैं और एक अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। इन सारी टिप्स को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब वो क्या एनवायरनमेंट है, सबसे पहले हम लोग गए freelancer.com पे और वहां मैंने एक डमी अकाउंट बनाकर एक डमी बिड पोस्ट करी जहां पर मेरे को 120 के आसपास बिड्स आई और उसके बेस पे हम समझेंगे कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर बिड करता है और एक नया फ्रीलांसर बिड करता है और क्या क्या करेक्शन होने से एक टॉप बिड बन सकती है जिससे कि एक नए फ्रीलांसर को भी काम मिलेगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग freelancer.com पे और ये बिड देखकर सारी डिटेल में चीजें समझते हैं। ध्यान से समझो, देखो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। मैंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था एक्सेल के बेस्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेस पे। तो इसमें मैंने क्या लिखा कि मुझे डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल एंड फॉर्मूला वर्क की रिक्वायरमेंट है। डिटेल देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट मैंने लिखा। एज अ क्लाइंट मेरी बात समझो पहले। ऑलराइट, मैंने लिखा माय एक्सेल फाइल इज वेरी हैवी एंड unorganized. I want it to get cleaned and efficient. अब क्या है? दो problem मैं as a client face कर रहा हूँ। पहली problem है कि मेरी Excel file बहुत ज़्यादा heavy हो गई है। Formula लगाने से बहुत heavy हो जाती है, number one. Second of all, ये unorganized है, मतलब बहुत messy तरीके से है। मेरी requirement है कि मुझे अपना time save करना है क्योंकि मेरे पास और काम है जिसे मुझे time देना है। तो मैं एक freelancer ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये project freelancer.com पे डाला और मैं चाहता हूँ कि आप जैसा expert ये काम कर पाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं या एक नए फ्रीलांसर हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा काम आप ढंग से कर पाएं। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है जब आप बिड करते हैं, तो देखते हैं मुझे यहां पर कितने बिड आए हैं। ये मैंने 5-6 दिन पहले डाला था प्रोजेक्ट और मेरे पास 119 बिड ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा, अमाउंट भी देख लेते हैं। यहां पर अमाउंट जो मैंने डाला है 600 से 1500 रुपए के बीच में मैं इस काम के देने को तैयार हूं एज ए क्लाइंट। और जितने भी प्रपोजल्स आए हैं उनकी एवरेज बिड मेरे पास 1067 रुपीज आई है, जो कि ठीक है, बिल्कुल सही आई है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से लोगों ने मुझे अप्रोच किया, क्या कमी थी उस अप्रोच के अंदर और मैं किसको काम देना चाहता हूं एज अ क्लाइंट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक्सपीरियंस्ड लोग सबसे पहले पेज पे आते हैं, फिर आगे जाते जाएंगे तो और कम एक्सपीरियंस आएंगे और एंड में हमारे फ्रेशर लोग आते हैं जो कि नए फ्रीलांसर हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं चलता हूं सबसे लास्ट में क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो नए फ्रीलांसर हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं, उनकी अप्रोच में क्या कमी है या वो सही अप्रोच कर रहे हैं या क्या लर्निंग हमें मिलती है। अब देखो मैं लास्ट पेज पे आ गया, 14 पेजेस बिड्स हैं मेरे पास, मतलब 119 बिड इतने पेजेस पे आ गई हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सपोज हम ये प्रोफाइल ले लेते हैं, ये फ्रीलांसर ले लेते हैं। देखिए लिखा है न्यू फ्रीलांसर नंबर वन, भावना एम, ये हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट के लिए मुझे अप्रोच किया, ये बिड लगाई है। और अब इसमें इनका लिखा है कि ये डेटा एंट्री करती हैं और कंटेंट राइटर है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब बात ये आती है, इन्होंने लिखा आई डिड कंप्लीटेड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आई हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल टेक्निकल एंड एमएस ऑफिस नॉलेज। अब ठीक है, अगर आपने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, लेकिन उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। मैंने क्या लिखा था वहां पर, अगर आप जाकर डिटेल्स में दोबारा देखोगे कि मेरी एक्सेल फाइल हैवी है नंबर वन, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। आपने उसके ऊपर क्या काम किया मुझे आप ये बताइए, आपने उससे रिलेटेड आपके पास क्या नॉलेज है, कुछ है, नॉलेज नहीं है, आपने कोई इस बारे में बात नहीं करी। तो क्लाइंट के हक की बात करनी है, जब तक वो नहीं मिलेगी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। पर चलिए ठीक है, दूसरे फ्रीलांसर का देख लेते हैं। तो ऐश्वर्या एस, ठीक है, ये है इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट। हेलो, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन
pursuing a BTech in the branch of computer science and technology with current CGPA of 9.05, looking to earn some pocket money using my typing skills. अब बताओ, मतलब सारी चीजें ठीक है, she is very fair कि भाई मैं इस reason से यहाँ पर हूँ और मुझे कुछ extra money चाहिए, but typing skills का अब मेरे काम से तो कोई related नहीं है ना. Since I am from computer science background, I have good typing skills. Again, typing skills. So I don't think she is the right candidate for my project. तो मैं तो move on हो जाऊँगा. अच्छा, आगे देख लेते हैं. रंजन डी, ये हैं, I am part time data entry operator. चलिए ठीक है, data entry operator. I am ready to work with you at this project. I am currently free, so I worked on it whenever I selected. Again, मेरे हक की कोई यहाँ पर बात नहीं हुई है. मेरे को नहीं पता कि इनको जो काम मुझे चाहिए कि Excel file heavy को light कैसे करना है या unorganized को organized कैसे बनाना है, इनके ऊपर इनका कोई hold है या नहीं है. ठीक है, और दूसरी आप देखेंगे इसके profile picture भी टेढ़ी है, मतलब it doesn't look nice at all. तो मुझे नहीं लग रहा वो इतने serious हैं काम को लेके. और मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि अगर ये नए freelancer हैं तो इनके पास इतना भी time नहीं है कि मेरे जो client है, मैं as a client अगर मेरी bid देखकर उसके बेस पे लिखें कि भाई ये आप काम कर सकते हैं. और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये आती है कि आप सैंपल दो ना. आप कभी भी किसी जो वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में देखते हो तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, वो अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं कि पहले मेरे क्लाइंट का इतना वेट था, वो ओवरवेट थे, अब वो ऐसे हैं, बिफोर एंड आफ्टर, राइट. तो मुझे बिफोर एंड आफ्टर का एक सैंपल दो ना कि पहले ये फाइल अनऑर्गेनाइज थी, मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया, पहले ये फाइल हैवी थी, 5 MB की थी, 50 MB की थी, उसको मैंने कुछ 1 KB में कर दिया. तो दैट इज हाउ इट इज डन. तो मेरे मतलब की बात हो रही है ना, नए फ्रीलांसर्स इतने बिजी कहां है कि वो ढंग से प्रपोजल भी नहीं लिख सकते. एंड मोर ओवर अगर आप देखोगे तो किसी ने भी मेरे नाम से मुझे एड्रेस ही नहीं किया है. मेरे नाम से एड्रेस से करो हाय देयर, ठीक है, हेलो, कहीं पर किसी ने मुझे मेरे नाम से एड्रेस नहीं. कहां आपका टाइम जा रहा है, किस चीज में बिजी हो, फोन पे बिजी हो, गेम्स में बिजी हो, बाबू शोना में बिजी हो, किस चीज में बिजी हो, थोड़ा उसको साइड में रखो और जहां काम लेने आए हो वहां पर काम लो, तरीके से लो. अगर आप सही से ये चीज लिखोगे तो काम क्यों नहीं मिलेगा, क्यों हमेशा एक नया फ्रीलांसर रोता रहता है कि मेरे पास काम नहीं है. यही कुछ रीजंस है और कोई रीजन नहीं है. कॉमन सेंस इज मिसिंग अ लॉट, लेट मी टेल यू, एंड हार्ड वर्क आल्सो. चलिए, ये तो हमने नए वाले देख लिया, आप और भी देखेंगे, आपको और चीजें पता चलती जाएंगी. अगर हम देखते हैं एक्सपीरियंस लोगों का, देखते हैं कि वो कैसे बिड कर रहे हैं, क्या हमें सीखने को मिलता है. अगेन, ही इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर और ये वीवी, एक्सेल, गूगल स्क्रिप्ट, पीडीएफ, पावर बीआई, इन सब में है. इन्होंने लिखा, हेलो, आई एम अवेलेबल राइट नाउ, आई कैन डू प्रोजेक्ट, प्लीज कनेक्ट विद मी टू क्रिएट सैंपल, थैंक यू. चलिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, प्लीज कनेक्ट विद मी टू क्रिएट सैंपल. तो कम से कम इतना मेरे फेवर की तो इन्होंने बात करी कि वो सैंपल क्रिएट करने में रेडी हैं, कनेक्ट कर लीजिए. बट अभी भी इन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, इन्होंने सिर्फ मुझे लग रहा है कि कॉपी पेस्ट कर दिया है कोई पुराना अपना बिट टाइम बचाने के लिए. और इनके लिए मेरे को समझ में भी आता है थोड़ा बहुत कि चलिए ठीक है, हो सकता है ये बिजी हो, इनके पास काम बहुत है. अगर आप देखें 158 तो इनके रिव्यूज हैं, तो इनके लिए फिर भी थोड़ा जस्टिफाइड मुझे लगता है. लेकिन काम करने का तरीका ये भी नहीं होता. लेकिन नए फ्रीलांसर्स को क्या तकलीफ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. चलिए दूसरे देखते हैं, इलियास, इनका क्या है, हेलो देयर, अगेन ही इज नॉट टेकिंग माय नेम, तो पर्सनलाइज होना चाहिए मैसेज. Expert level with top rating done projects before I can done this within short time. अभी communication का issue मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है. Also I can provide previous samples for make you understanding better about me and my skills. When do you need this finished? I understand how annoying it is and can get this fixed for you quickly. Please see the sample I fixed. I look forward to working on this project with you. तो अच्छा है, इन्होंने एक अच्छी चीज लिखी है. सबसे पहले इनका एक्सपीरियंस यहां से झलकता है कि इन्होंने बार बार सैंपल की बात करी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी से मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने काम किया हुआ है. तो सैंपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरीके से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वो भी इंपॉर्टेंट. अब इनके प्राइस देखो, जितना मैंने प्राइस लिखा था उससे डबल से भी ज्यादा प्राइस, बट इन्होंने कुछ बात करी है और मुझे दिख रहा है कि इनके रिव्यूज भी 271 है. मैं इनको कंसिडर कर सकता हूं अगर मेरे पास उतना बजट है तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भरोसा है कि ये काम कर लेंगे. ऑलराइट, रिव्यूज हैं इनके पास. तो ये कुछ चीजें देखो, समझो. कुछ और पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं. अगर आप फ्रीलांसर की वेबसाइट के एक आर्टिकल पे भी जाओगे जहां पर उन्होंने विनिंग बिड्स के बारे में बात करी गई है, तो ये कंपैरिजन देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. देखो, क्या चीजें बिड में नहीं लिखनी पहले वो समझ लो. ओवरली फॉर्मल आपको नहीं होना है, मतलब कि सर मैम करके नहीं आपको बात करनी है, ठीक है. नंबर 1, बोथ आर प्रोफेशनल्स, क्लाइंट इज ऑल्सो प्रोफेशनल, यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल. तो अभी वो वैसे करके बात नहीं करनी, क्योंकि उसको करना है पर्सनलाइज करके, आप उसको एड्रेस करोगे, दैट इज द राइट वे. उसको फिर फीलिंग आती है, अगर किसी ने भी मुझे मेरे नाम से एड्रेस किया होता ना तो मुझे अच्छा लगता, मुझे लगता कि हाँ यार ये बंदा सीरियस है इस चीज को लेकर. नंबर 1, टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट यू
यू रादर देन द प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे आपने देखा नहीं, वो एक लेडी ने लिखा हुआ था कि मैंने कंप्यूटर साइंस करी और ये सब किया, बट वेयर इज द वर्ड्स दैट आई एम लुकिंग फॉर, राइट? मेरे प्रोजेक्ट की बात तो कहीं पर भी नहीं करी ना, तो वो चीज नहीं करना। कॉपी एंड पेस्ट सेम बिट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुझे ऐसा सेंस हुआ कुछ लोगों ने पुराने ही प्रोजेक्ट का जो बिट थी वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, सेम बिट। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पर्सनलाइज होनी चाहिए। नो प्रोफाइल फोटो और यूजेस कार्टून इमेज, तो ये नहीं करो। प्रोफेशनल अपनी फोटो लगाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो टेडी फोटो हमने एक देखी थी, दैट इज ऑल्सो डू नॉट लुक नाइस। टॉक्स अबाउट इररिलेवेंट स्किल्स टू द प्रोजेक्ट। कि ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जैसे आपने देखा था यहां पर एक जो फ्रीलांसर थी उन्होंने लिखा था टाइपिंग स्किल्स। अब मैं टाइपिंग स्किल्स का क्या करूं, मेरे से तो वो रेलिवेंट नहीं है ना, तो मैं पहले ही मैं टर्न ऑफ हो गया। देयर इज नो नीड फॉर मी टू हायर हर, क्योंकि मेरे काम की बात उन्होंने फिर नहीं करी, वो अपने ही किसी स्पेशलाइजेशन की बात कर रही है। ऑलराइट, ये कुछ मेजर पॉइंट। आप क्या करना चाहिए इसमें, पर्सनलाइज करना चाहिए मैसेज को, नाम लेकर आप दो, ठीक है, रीड द होल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस हाउ यू कैन हेल्प, द सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर, कि नाम वर्ड्स यूज करो, ऐसे वर्ड्स यूज करो जिससे क्लाइंट को समझ में आ जाए कि हाँ, ये इसने ऐसा काम किया है जो मैंने पोस्ट किया है। मेरी एक्सेल फाइल हैवी थी, अनऑर्गेनाइज थी, हाँ इसने किया हुआ है, आप वहां पर लिखो तो पता चलेगा। राइट अ न्यू बिट ईच टाइम एंड कीप इट शॉर्ट। ईच टाइम यू हैव टू राइट अ न्यू बिट। अगर आप सीरियस हो काम लेने के लिए, लोग नहीं है सीरियस, 99% नहीं है सीरियस, आई कैन चैलेंज यू। मैंने भी बहुत फ्रीलांसर्स हायर किए अपने डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, एडिटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, कॉन्टेंट राइटिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, थंबनेल क्रिएशन के लिए, ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कॉलिंग के लिए, अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स आई हैव हायर्ड। एंड लेट मी टेल यू, काम के बंदे ना मिलते ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। आस्क एम्प्लॉयर्स मोर क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट। ये करोगे लेकिन जिस पे आपको डाउट है, रेलिवेंट क्वेश्चन, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं। बहुत बार मैंने देखा जब मैं कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट में लिखे हुए हैं, और मैं इतना इरिटेट होता हूं कि मैं एज अ क्लाइंट टाइम सेव करने के लिए आया हूं, आप लोग बात क्यों नहीं समझते हो, आप क्यों वो क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हो जो मैंने वहां पर लिखे हुए हैं। अगर मुझे टाइम सेव नहीं करना होता तो ये काम मैं खुद ही ऑनलाइन सीख के कर लेता। एंड शो सिमिलर प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन। तो आप एक काम कर सकते हो, सिमिलर प्रोजेक्ट को अपलोड करो freelancer.com पे या जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हो, उसका लिंक शेयर करो कि भाई ये मैंने काम किए हुए। सैंपल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आई होप नॉलेज मिल रही है आपको। अगर नॉलेज मिल रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, बहुत मेहनत लगती है एक सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में, ताकि आप अपने करियर में ग्रो हो सको, सेकंड सैलरी अर्न कर सको। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेकंड सैलरी अर्न करना चाहते हो, अगर आप रियली एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो और वो भी एक्सेल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू, चाहे आपको नॉलेज है प्रीवियस या नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अपने 12 साल के करियर के बेस पे। आई नो कि आपके माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, और आप एक्चुअल में इसमें एक्सेल के थ्रू मिनिमम 30,000 to 40,000 अर्न कर सकते हैं एज अ सेकंड सैलरी, जो टिप्स मैं बता रहा हूं उसके थ्रू। और अगर आप कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊं, तो इसी के लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं, वो भी ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, आप जाइए साइन अप करिए, मुझे वहां मिली है ऑनलाइन, और समझिए पूरा एंड टू एंड प्रोसेस कि आप एक फ्रीलांसर कैसे बन सकते, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, क्या कम्युनिकेशन मोड होना चाहिए, कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे पेमेंट टर्म सेट करते हैं, कैसे पेमेंट ली जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैं सॉल्व करूंगा वहां पे। और साथ ही में इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको अपनी तरफ से एक बोनस देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ईबुक है ऑन एक्सेल फ्रीलांसिंग। ज्वाइन करने पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री, ताकि आप आगे एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक नहीं करा वीडियो अभी तक तो कर लो, और इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप करो, मुझे मिलो और सारी चीजें डिटेल में सब। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, और मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं, ताकि आप सेकंड सैलरी अर्न कर पाए। सी यू।